नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मिरेकल मशीनरी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक ऐसी मशीन लेकर आए हैं जो यूटेंसियल यानी कि बर्तनों में भी काम आती है, ज्वेलरी में भी काम आती है, जिसे कहते हैं मोपा लेजर मार्किंग मशीन या फिर कलर लेजर मार्किंग मशीन। जी हाँ, प्रिंटिंग नहीं, मार्किंग, और वो भी लेजर से। लेजर से मार्किंग होती है, आपका जो मेटल है उसमें ही कलर को उभारती है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये मशीन एसएस में कलर मार्किंग करेगी और इसके अलावा आपकी जो मार्किंग करेगी वो करेगी ब्रास में, और गोल्ड अगर हाई लेवल का मींस कि आपका 18, 20 या 22 कैरेट का है उसमें भी एक प्योर कलर नहीं देगी, बट आपको एसएस में प्योर कलर देती है। आपने बर्तन देखे होंगे कई बार जिसमें कलर की डिजाइनिंग होती, कलर मार्किंग होती, ब्लू शेड होता, ब्लू होता, ग्रीन होता, येलो होता है, वाइट होता है, ये सारी मार्किंग जो होती है वो लेजर मशीन से होती है, बट वो मोपा लेजर मार्किंग मशीन से होती है। तो आज हम देखेंगे इस मशीन को कैसी है दिखने में और उसमें अंतर क्या होता है नॉर्मल लेजर मार्किंग मशीन से, और किस तरीके से कलर मार्किंग होती है। हम नीचे जाके मशीन भी देखेंगे वर्कशॉप में, तो आइए सीधे चलते हैं वर्कशॉप, मशीन देखते हैं और वर्किंग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मशीन पर और ये है हमारी मोपा लेजर मार्किंग मशीन। मोपा एक लेजर सोर्स का एक सीरीज है जो जेपीटी लेजर सोर्स की कंपनी बनाती है। ये प्रॉपर कलर मार्किंग के लिए यूज होता है। अभी फिलहाल कलर मार्किंग हो रही है, इसको हम लोग आपको क्लोज करके भी अभी दिखाएंगे। खास करके बर्तन एसएस के बर्तनों पर या फिर ब्रास की कोई प्लेट होती है, चीज़ें होती हैं उन पर कलर मार्किंग करना हो वो भी लेजर के द्वारा, उस समय ये मशीन यूज की जाती है। तो ये फिलहाल मशीन देखें तो ये ड्रॉअर रहेगा जिसमें आपका ये रहेगा, यहाँ कीबोर्ड रखने की जगह रहेगी, माउस रखने की जगह रहेगी, नीचे एक फुट स्विच दिया जाएगा, मॉनिटर रखने की जगह आपकी यहाँ रहेगी, यहाँ स्टैंड होगा, स्टैंड के ऊपर आपको मॉनिटर रखने का अमाउंट रहेगा, प्लस यहाँ पे अप डाउन करने का ये जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस को आप मैनुअली भी अप डाउन कर सकते हैं, यहाँ बटन के द्वारा भी अप डाउन करते हैं, यहाँ कितना वोल्टेज आपको मिल रहा है वो दिखाया जाएगा। लेजर सोर्स का कंट्रोल और कंट्रोल कार्ड का जो है दोनों ही आपका कंट्रोल आपके हैंड में यहाँ रहेगा। MCB भी दी गई है ताकि आपका कभी भी कोई मशीन में जोखा माता बचाया जा सके। ये बेस प्लेट रहती है, नॉर्मल एक हम लोग नॉर्मल मार्किंग मशीन लेते हैं स्टैंडर्ड साइज़ की, उसी टाइप का मशीन है, बस इसके अंदर जो चेंज हुआ है वो लेजर सोर्स, इसमें मोपा लेजर सोर्स लगा हुआ है जो कलर मार्किंग के लिए यूज होता है। खास करके बर्तन सेक्शन में जब आप जाते हैं तो वहाँ कलर मार्किंग मिलती है, और ये याद रखना दोस्तों कि कलर मार्किंग हमेशा एसएस और ब्रास वगैरह पर होती है, सारे मटेरियल पर नहीं होती है। अगर आपको जानना है, सारी डिटेल चाहिए तो दिए गए नंबरों पर कॉल कर लीजिए, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, प्राइसिंग वगैरह क्या होती है वो भी पता चल जाएगा। फिलहाल ये था मोपा लेजर मार्किंग मशीन जो कलर मार्किंग करती है। आइए कुछ इसके सैंपल देख लेते जो मैं कर रहा हूँ और आगे करने वाला हूँ, किस तरीके से कलर मार्किंग आती है।